Assalamualaikum, it's Shazi Fahim from Shooter's Den. आज हम आपके लिए लाए हैं RexMX Throne Gen 2 का अनबॉक्सिंग और ओवरव्यू. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. काफ़ी टाइम से हम आपके लिए वीडियोज़ नहीं ला पा रहे थे क्योंकि प्रॉपर एक वीडियो बनाना और उसको फिर एडिट करना वो बड़ा एक लंबा प्रोसेस हो जाता है टाइम के इशू की वजह से. तो हमने ये सोचा कि अब हम आपके लिए शॉर्ट वीडियोज़ लेके आते रहेंगे. तो आज हम अनबॉक्स कर रहे हैं RexMX की Throne Gen 2. RexMX का फ्लैगशिप मॉडल है, सबसे पॉपुलर मॉडल है और आप में से काफ़ी लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया है. जब ये पिछली शिपमेंट में नया नया आया था तो लोगों को डाउट्स थे कि पता नहीं कैसा होगा, नई ब्रांड है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस हिसाब से हमारी पिछली शिपमेंट सेल हुई थी और उसके बाद फिर लोगों की डिमांड थी लेकिन इम्पोर्ट के कुछ मसले मसाइल थे, चीज़ आ नहीं पा रही थी. तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी मुश्किलात अब दूर हो गई हैं और ये हमारे पास खैर से पहुंच गई है. तो चलें अगर हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं तो पीसी से स्टार्ट करते हैं. ये इसका बट पैड है, ये रबराइज बट पैड है और इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इस तरह. ये अपने शोल्डर के हिसाब से आप इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं. उसके बाद ये इसका हैमर स्प्रिंग एडजस्टर है, ये अभी इस वक्त मैक्सिमम सेटिंग पे है. इसको आप अपने यूज़ के हिसाब से कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं. ये फीचर जो है बेसिकली इसकी एडजस्टेबल रेगुलेटर वाला जो फीचर है उसके साथ मिलके गन को ट्यून करने के लिए काम आता है कि कौन सी रेगुलेटर सेटिंग के साथ ये आपका हैमर स्प्रिंग सेटिंग मैच होती है. तो ये बेसिकली पुरानी एयर गन्स के अंदर यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ होता था जिसको हम टाइट करते थे या लूज़ करते थे, वो सेटिंग अब यहाँ पे आ गई है. उसके बाद आगे चलें तो ये इसका बैरल का स्क्रू है. बेसिकली इसके अंदर जो एक फ्लैगशिप फीचर है वो है इसकी रिमूवेबल कैलिपर और बैरल. तो उसको ईजीली रिमूव करने के लिए कोई स्क्रू खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये आपने लूज़ करना है और ये पूरी बैरल श्राउड के साथ निकल के बाहर आ जाती है. दूसरी बैरल आप इसी तरह इसमें स्लाइड कर देते हैं और फिर ये स्क्रू को टाइट कर देते हैं. तो ये बहुत ही एक ईजी फीचर है. इसका जो ये आप प्लस माइनस देख रहे हैं ये बेसिकली ट्रांसफ़र पोर्ट एडजस्टर है, इसके हिसाब से आप यहाँ पे ट्रांसफ़र पोर्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं. इसके अंदर पावर सेटिंग्स के लिए तीन सेटिंग्स दी गई हैं, हैमर स्प्रिंग एडजस्टर, ट्रांसफ़र पोर्ट एडजस्टर और रेगुलेटर एडजस्टर. तीन जगह से आप इसको पावर को ट्यून कर सकते हैं कम ज़्यादा अपने यूजेज के हिसाब से, पैलेट्स के लिए, स्लग्स के लिए, वो तो सारी सेटिंग्स इसमें ईजीली कर सकते हैं. एक जो फीचर नॉर्मली एयरगन्स में हमें नहीं देखने को मिलता वो है ये प्री चैम्बर टेक्नोलॉजी जो कि टर्किश एयरगन्स में सबसे पहले RexMX ने इंट्रोड्यूस करवाई है. ये बेसिकली एक 18cc का प्लेनम है जो कि रेगुलेटेड एयर प्रोवाइड करता है एयरगन को. इसकी जो एक ख़ास चीज़ है कि ये क्यों स्पेशल है, ये बेसिकली इंश्योर करता है कि आप रेगुलेटर प्रेशर को कम प्रेशर पे भी ज़्यादा पावर गन से ले सकते हैं. मिसाल है कि फैक्ट्री सेटिंग्स पे ये एयर गन सेट आती है तकरीबन 90-100 बार्स पे और उस पे तकरीबन 900 FPS आपको 18 ग्रेन पे मिल रहे होते हैं, जबकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो आपको कोई 120-130 बार्स पे रेगुलेटर को ले जाना पड़ता है. तो इसको आप अगर स्लग्स के लिए ट्यून कर रहे हैं तो बेसिकली अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 100 से ऊपर जितना ले जाते हैं इसको, 120-150 तक आप इसको ले जा सकते हैं. तो वो आप अपने स्लग के वेट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं. इस प्लेनम से ये फ़ायदा होता है. आगे चलते हैं तो ये इसका रेगुलेटर एडजस्टर है. इसमें एक चीज़ जो ख्याल करने की है जिसकी कंपनी ने ये एक पेपर भी इसके साथ दिया हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है इसको पढ़ लें, वो ये है कि आपने इसको ऊपर पावर बढ़ाने के लिए आप इसको नीचे करते हैं, ये निशान दिया हुआ है नीचे का, और पावर कम करने के लिए आप इसको ऊपर करते हैं. तो आपने इसको एयर के होते हुए जबकि आपकी एयर भरी हुई है आप इसको नीचे कर सकते हैं लेकिन आपने इसको ऊपर नहीं करना, मतलब पावर कम नहीं करनी. रेगुलेटर का प्रेशर आप ऊपर तो लेके जा सकते हैं लेकिन नीचे नहीं लेके आएंगे. ये आपका रेगुलेटर का गेज है और ये सिलेंडर का गेज है. अच्छा, इसमें एक चीज़ जो और स्पेशल है क्योंकि ये काफ़ी मॉड्यूलर एयरगन है तो आप कॉकिंग लीवर कुछ हजरात जो हैं वो मेरी तरह जो राइट हैंड होंगे वो यहाँ से ज़्यादा लोडिंग पसंद करते हैं, लेकिन कुछ हजरात जो लेफ़्ट हैंड होते हैं और अगर वो इस तरह करके एयरगन को यूज़ कर रहे हैं, मैं चूँकि लेफ़्ट हैंड नहीं हूँ इसलिए मुझे थोड़ी परेशानी हो रही है, तो वो यहाँ से लोड करना पसंद करते हैं. अब यहाँ से लोड करने में उनको परेशानी होती है तो वो ये कॉकिंग लीवर यहाँ से खोल के
इस साइड पे भी लेके आ सकते हैं, ये एडजस्टमेंट इसमें मौजूद है। इसके अलावा डवटेल और पिकेटिनी दोनों रेल्स इस पे दी हुई हैं। आगे चलें तो ये इसका फिलिंग सिस्टम है जो कि अब इन्होंने बग़ैर किसी फिल प्रोब और उससे आपको आज़ाद कर दिया, डायरेक्ट आप अपने पंप या कंप्रेसर से इसमें पाइप लगाइए और ये फिल हो जाती है। इसके अलावा ये बाईपॉड के लिए रेल दी हुई है। अच्छा, आगे चलते हैं तो ये रिमूवेबल बॉटल है, इसको आप ऐसे स्लाइड करते हैं तो ये रिमूवेबल हो जाती है, और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बॉटल दूसरी मौजूद है तो वो आप दूसरी बॉटल इसमें लगा के एक साथ मतलब यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी फिलिंग। आप अपने घर से दो बॉटल्स लेके चलते हैं, एक बॉटल लगी हुई होती है, दूसरी वाली बॉटल आप इसमें लगा लेते हैं तो तकरीबन आपके पास अगर आप 18 ग्रेन पे 900 FPS पे यूज़ कर रहे हैं तो मेरा आइडिया कि तकरीबन 200 शॉट्स आपके पास हैं जो कि एक हंट के लिए बहुत काफ़ी होते हैं। आगे चलते हैं, और ये फीचर जो है बेसिकली इसकी ट्यूनिंग में भी हेल्प करता है, क्योंकि जब आपने इसका प्रेशर कम करना होता है तो आपको एयर को रिमूव करना पड़ता है, तो आप पहले ये सिलेंडर निकाल देंगे, एयर गन को लोड करके इस तरह करके फायर करेंगे ताकि जो प्लेनम में एयर मौजूद है वो निकल जाए, दोनों गेजेस ज़ीरो पे आ गए, उसके बाद आप आराम से इसको कम कर दीजिए प्रेशर को, और जब आप दोबारा बॉटल इंस्टॉल करेंगे तो फिर आपका रेगुलेटर प्रेशर नीचे आ गया होगा और उस हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं, तो ये काफ़ी एडजस्टेबिलिटी इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा आगे चलें तो इसके अंदर एक अच्छा श्राउड दिया हुआ है जो कि अंदर बैफल्स भी इसके अंदर मौजूद हैं और आवाज़ को काफ़ी कम कर देता है ये। इसके अलावा इसमें आगे एक एडाप्टर भी दिया हुआ है जिसमें आप हाफ इंच UNF थ्रेड का कोई भी मॉडरेटर आवाज़ कम करने के लिए लगा सकते हैं। तो अगर हम कोई फीचर मिस नहीं कर रहे हैं, बेसिकली ये इसका ट्रिगर है, ट्रिगर भी इसका फुली एडजस्टेबल है, और ये ट्रिगर लॉक है इसका, इसको जब नीचे कर देते हैं तो ये अनलॉक हो जाती है और ऊपर कर देते हैं तो ये लॉक हो जाता है। अगर हम फीचर्स के बाद इसकी ओवरऑल हैंडलिंग की बात कर लें तो स्पेसिफिकेशन शीट अगर इसकी देखी जाए तो ये 3.5 kg इसका वेट दिखाया जाता है उसके अंदर। अब 3.5 kg को देख के हम समझते हैं कि पता नहीं हम उठा सकेंगे नहीं उठा सकेंगे, बहुत भारी एयरगन होगी, तो अगर आप इसको हाथ में लेके देखेंगे तो इसका सारा वज़न जो है वो ये मिडल में है, जब आप इसको शोल्डर करते हैं तो सारा वज़न आपको यहाँ इस जगह महसूस होता है, तो आपकी गन अनबैलेंस नहीं होती है, काफ़ी अच्छे तरीके से आपके शोल्डर में ग्रिप हो जाती है। अगर आप इसको देखें तो ये आपका मेन वेट इस तरफ है, तो ये आपका काफ़ी अच्छे तरीके से शोल्डर हो जाती है। इसमें हमारे पास कार्बन फाइबर बॉटल का ऑप्शन भी मौजूद है, वो हम आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे इंशाल्लाह, तो उससे और मज़ीद इसका जो वेट है आगे वाला वो कम हो जाता है, तो हैंडलिंग काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। एक फीचर जो मैं आपको नहीं बता सका वो ये था कि इसके अंदर आप कैलिबर चेंज भी कर सकते हैं। अभी इसके अंदर 0.22 कैलिबर की बैरल लगी हुई है, 0.22 के मैगजीन्स इसके साथ हैं, बॉक्स में जो सामान आता है इसके साथ ये 0.22 के मैगजीन्स हैं, ये सिंगल शॉट ट्रे है, इसके कुछ ओरिंग्स हैं, बुकलेट है, टारगेट्स हैं, तो अगर आप कैलिबर चेंज करना चाहते हैं तो हमारे पास 177 और 0.25 दोनों कैलिबर किट्स अवेलेबल हैं, जिसमें आपको बैरल भी मिलती है, मैगजीन्स भी मिलते हैं, और फिल प्रोब जो पैलेट लेके जाती है वो चीज़ भी मिलती है, तो वो पूरी किट होती है, आपको इसके अलावा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पैलेट्स ज़रूर आपको लेने पड़ेंगे लेकिन उसके अलावा सारी चीज़ें आपको उस किट में मिल जाएंगी। इन दी एंड हम अगर इस वीडियो को ख़त्म करें तो हाँ, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि थ्रोन जेन 2 किसके लिए अच्छी है, तो हम ये ज़रूर बताना पसंद करेंगे कि जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो पहली अपनी PCP ले रहे हैं, हम उनको ये रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप रेक्समैक्स थ्रोन जेन 2 की तरफ जाएं। ये बेसिकली एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एयरगन है, क्योंकि इसके अंदर जो सेटिंग्स दी हुई हैं उनमें आपको एहतियात करनी पड़ती है, तो हम ये रिकमेंड करेंगे अगर आपने पहले कोई एयरगन चलाई हुई है या आप थोड़ा एयरगन की इंफॉर्मेशन रखते हैं, फॉलो करते रहते हैं, तब तो आप इसकी तरफ जाएं, नहीं तो फिर आप को कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि इसकी जो सेटिंग्स हैं अगर आप उनको गलत तरीके से ऊपर नीचे करेंगे जिस तरह कंपनी ने मना किया, तो फिर एयरगन्स में इशू आएंगे, फिर आप परेशान होंगे क्योंकि आप नए यूज़र हैं। तो जो नए यूज़र्स हैं उनके लिए हमारे पास दूसरा मॉडल है, रेक्समैक्स जोन, जो आपको पीछे ये नज़र आ रहा होगा, तो इसकी भी वीडियो हम इंशाल्लाह जल्द बनाएंगे, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं, ये प्राइस में भी आपको कम पड़ेगा
और इसके जो फीचर्स हैं वो आपके जो बिगिनर हैं उनके लिए काफ़ी होंगे। तो आखिर में अगर हम आपको कुछ एक्सेसरीज इसकी दिखा दें उसकी वीडियो हम इंशाल्लाह अगले एक वीडियो में मेंशन करेंगे। ये कुछ एक्सेसरीज हैं इसकी, कार्बन फाइबर बॉटल हैं, बैरल्स हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रहे थे लेकिन ये फीचर्स इतने ज़्यादा हैं कि काफ़ी लॉन्ग हो गई वीडियो। तो इंशाल्लाह अगली बार आपसे मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।